अजमेर गंज थाना क्षेत्र में महिला को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर बलात्कार करने वाले आरोपी को गंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी का मेडिकल करवाकर उसे न्यायालय में किया पेश। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा पर अनर्गलन आरोप लगा रहे हैं, इसके बजाय उनको अपने घर को संभालने की आवश्यकता है। अलवरगेट थाना क्षेत्र की जादूगढ़ निवासी मिथिलेश शर्मा ने थाने पर उपस्थित होकर दी रिपोर्ट। उनके पास डिश टीवी के नाम से आया फोन, जहां फोन के बाद उनके खाते से अलग अलग ट्रांजेक्शन के नाम से निकाले 33,445 रुपए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर किसान नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि की अर्पित। रामगंज थाना क्षेत्र के अजयनगर स्थित हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले व्यापारी वासुदेव तेजवानी ने कर्जदारों से परेशान होकर लॉकडाउन में काम नहीं होने पर खाया पॉइजन। अजमेर के जिम्नास्ट अपनी फिटनेस और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। जल्द ही जिम्नास्टिक प्लेयर के साथ साथ सीनियर जिम्नास्ट व कोचेस के लिए भी प्रारंभ की जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। अजमेर उत्तर विधानसभा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर काम करने वाले लोगों की ली सुध। देवनानी ने मदार गेट स्थित मोची व्यवसाय का काम करने वाले लोगों को छाते किए वितरित। मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर डाकघर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने 110 विधायकों को होटल में किया शिफ्ट, गहलोत बोले भाजपा ने खरीद बिक्री के लिए 2 महीने टाले राज्यसभा के चुनाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के चलते लंबित 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर हुए अपलोड।